अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे, लेकिन अंधेरा तभी कायम रहेगा जब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन महामहिम, ये भी तो मैं अंधेरा फैलाने के लिए ही कर रहा हूं, ये मेरा नया आविष्कार है। अंधेरा जानता है तुम्हारे आविष्कार के बारे में, कुछ नहीं छिपा रह सकता अंधेरे से। फिर भी आप मुझे तबाही करने और शक्तिमान को खत्म करने से रोक रहे हैं? हाँ, क्योंकि अंधेरा तुम्हारी इस इजाद का और बेहतर इस्तेमाल करना चाहता है। अंधेरा कायम रहेगा महामहिम सम्राज किल्वेश। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास खबर जो हर बॉलीवुड फैन के लिए एक धमाकेदार अनाउंसमेंट है। जी हाँ, आपने सही सुना, रणवीर सिंह बॉलीवुड का पावर हाउस ऑफ एनर्जी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में एक नए रूप में दिखाई देने वाले हैं, जो की है एज नन अदर देन शक्तिमान। जी हाँ, अगर आप सभी 90s से हैं तो आप सभी को याद ही होगा शक्तिमान के बारे में, जो उस समय का एक लौता सुपर हीरो था और हम सभी इस शो को देखना काफी ज्यादा पसंद करते थे। और शक्तिमान के किरदार को निभाते हुए नजर आते थे मुकेश खन्ना। वही अब इस रोल को बॉलीवुड के यंगेस्ट एक्टर रणवीर सिंह निभाने जा रहे हैं और ये फिल्म काफी ज्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में हमें बॉलीवुड लेवल के VFX और CGI सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही आपको बता दे, इस फिल्म का बजट काफी बड़ा होने वाला है, जो कि 400 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये न्यूज सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं बासिल जोसेफ, जो कि मलयालम सिनेमा के एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उनका यूनिक विजन और स्टोरी टेलिंग स्टाइल शक्तिमान को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं फिल्म की की। तो दोस्तों, शक्तिमान फिर से आया है। एक अजीब दुश्मन ने मुंबई की शांति को खतरे में डाल दिया है, जिसमें रणवीर सिंह अपनी दो अलग अलग रोल में दिखाई देंगे, एक हल्का फुल्का पत्रकार पंडित गंगाधर ओमकर शास्त्री और एक शक्तिशाली सुपर हीरो शक्तिमान के रूप में। वही फिल्म के डायरेक्टर बासिल जोसेफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ शक्तिमान को डायरेक्ट करने और रणवीर सिंह के साथ काम करने के लिए। शक्तिमान सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, वो एक इमोशन है। वेल, बात करें ये फिल्म हमें कब तक देखने को मिलेगी, तो दोस्तों फिल्म की रिलीज को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन सुनने को मिल रहा है कि शक्तिमान फिल्म हमें 2026 तक बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्सक्लूसिव अपडेट शक्तिमान मूवी के बारे में। रणवीर सिंह की एनर्जी और बासिल जोसेफ की डायरेक्शन मिलकर हम एक ब्लॉकबस्टर सुपर हीरो फिल्म का एक्सपीरियंस देने वाले हैं, और हम तो अभी से इस फिल्म का वेट कर रहे हैं। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।